गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है 21 तारीख और टाइम हो चुका है 10:30 का और 10:30 बजे ब्लॉग बना रही हूँ मैं। आज शुरू कर दिया है ब्लॉग बनाना और कल का मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी और आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरी परेशानी में, आप लोग भी परेशान थे और जिनको पता था थोड़ा बहुत मुझे बता दिया है मैंने। वैसे क्या बोलते बोल रहे थे कि कोई बोल रहे थे मुझे कि YouTube अपडेट कर लीजिए, अपडेट मैंने कर दिया है। थैंक यू सो मच बताने के लिए, भी यूट्यूब अपडेट भी कर दिया है। और किसने बोला था शरण भाई ने बोला था कि भाई ईमेल भेज दीजिए, अब ईमेल भेजना बाकी है, ईमेल भेजती हूँ मैं। यूट्यूब को देखती हूँ जरा ईमेल भेज के कि मेरा क्या आंसर आता है। तो आज है 21 तारीख, मैंने बता दिया शायद आप लोगों को, मुझे बात करते करते याद भी नहीं रहती है। और वार है मंगलवार और मैं जा रही हूँ आज मार्केट और मेरे कुछ काम है और देखती हूँ साथ साथ में आप लोगों को कहाँ कहाँ घुमा सकती हूँ और क्या क्या दिखा सकती हूँ रामपुर की मार्केट में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, बाय बाय, आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ नीचे रास्ते में पहुंच चुकी है और मुझे याद आया यहाँ पर पानी देखकर मैं बताना भूल गई थी। कल रात से हमारी इतनी ज्यादा बारिश हुई है, अब जाके 10:30 बजे मतलब मौसम थोड़ा साफ हो गया, थोड़ा उजाला जैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा बारिश, पूरी सर्दी में बारिश नहीं हुई थी, अभी हुई बहुत ज्यादा बारिश। तो मैं अब चल पड़ रही हूँ यहाँ से, घर से निकल गई हूँ और मिलते हैं अब बाजार में पहुंचकर। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं मार्केट जा रही हूँ और दिखाया भी था नीचे पौड़ी तक जाते हुए और उसके बाद मौसम उस टाइम साफ हो गया था, उसके बाद लगी बारिश और उसके बाद मैंने मार्केट में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि अगर मैं शूट करने के लिए फोन निकालती तो फोन खराब हो जाना था, पानी पड़ जाना था, बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैंने कुछ शूट नहीं किया। और उसके बाद आ गई थी मैं घर में और बहुत सारे पशुओं के पास काम वगैरह किया। उसके बाद अब शाम के बज चुके हैं 4:30 और 4:30 बजे करने वाली हूँ मैं ये ब्रास की चटनी बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने सोचा मजी ने छांट के रख दिया था, दिखाती हूँ मैं जो छांट के रखा है। ऐसे तो गुरास का फूल काफ़ी लाभदायक है, जैसे कि इसको दवाई के काम भी आता है और ये देखिए इसके हम तो चटनी बनाएंगे और गुरास का जूस भी बनता है और हम ये जो वाइट साइज में होता है वो निकाल के अलग कर देंगे और फूल को अलग से छांट लेंगे और इसके बाद हम पीस के दिखाएंगे आपको चटनी कैसे बनती है और पहले बिल्कुल साफ़ करेंगे। और तो जैसे मैंने दिखाया कि सुबह छांट के रख दिया था हमने और तो इतना निकला ये छांट छूट के, तो अब मैं बनाने वाली हूँ इसकी चटनी। इसको पहले हम ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए ग्रास का, ये लाया था हमारे भाई जी रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने लाया था ऊपर से और हम तो गए नहीं। और सेम प्रोसेस है जैसे जैसे चटनी में जो जो आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मैं तो सूखी मिर्च डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ और पुदीना डाल, तो बहुत बड़ी मात्रा में, और पुदीना भी लिया है। देखिए इतना पुदीना भी लिया, इतना तो नहीं डालूंगी, थोड़े से डालूंगी पुदीना, तो ये पुदीने डाल दूंगी। और इसको कर देंगे हम ग्राइंड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंड कर दिया और इसमें मैं डालने वाली प्याज और दो टमाटर मैंने बॉईल करके ले लिया है और टमाटर का इससे अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो ये ब्रास का खाली बनाते तो थोड़ा खट्टा खट्टा जैसा लगता है। और थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे और अच्छा लगेगा। और प्याज भी डाल रही हूँ, मैंने दिखा दिया आपको। बाकी नमक मिर्च, वैसे सूखी मिर्च डाल दिया, आप लोग हरी मिर्च डाल सकते, पुदीना डाल सकते, अपने स्टाइल से बना सकते हैं। और बिल्कुल ईजी होता है ब्रास की चटनी बनाना और लाभदायक भी है। वैसे काफ़ी औषधि गुण होता है, मैंने सुना है कि दिल के मरीज के लिए काफ़ी अच्छा होता है ब्रास का फूल, ऐसा सुना है। और आप लोग भी अच्छे से बना सकते हैं, अगर आप लोग की तरफ भी मिलता है तो आराम से बना सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जार में जैसा दिख रहा है कि भी चटनी बन के तैयार है और इसी तरह से चटनी बनती है और ज़्यादा कुछ भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सब कुछ आप डाल सकते हैं जो जो चटनी में लगता है। वैसे मैंने बता दिया नमक मिर्च और प्याज, मैंने थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया है और
और इसको पुदीना भी, हरा पुदीना भी डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल सकते पर मैंने सूखी मिर्च डाली, मेरे पास अवेलेबल नहीं था हरी मिर्च और मैंने सूखी मिर्च डाली। और आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, आप लोग ने देखा कि कितनी टेस्टी और कितना अच्छा दिख रहा है, और कलर देखिए इसका कितना रेड है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वाली मेरी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय।